मैं बरेली से निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए, तो मैं बरेली एयरपोर्ट के पास से सवारी मैंने बैठा ली है कुछ मुरादाबाद। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 4 अप्रैल 2022, टाइम हो गया 8 बज गया, और कल मैं जब कोडागिरी से आया था तो लेट हो गया था बहुत, और नींद बहुत ज्यादा लग रही थी, तो दिल्ली जाने को था रात में लेकिन नहीं गया क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो नींद बहुत ज्यादा लग रही थी। तो अपनी दीदी के घर आ गया, बड़ी दीदी के घर, रात को सोचा 1-2 घंटे सो के उठ जाऊंगा फिर निकल जाऊंगा दिल्ली, लेकिन रात में आंख ही नहीं खुली, बहुत ज्यादा नींद लग रही थी तो यहीं रुक गया। तो आज मंडे का दिन है, आज मेरा फास्ट रहता है, नहाऊंगा अभी और नहा के हम जाएंगे मंदिर, मंदिर जाएंगे सब लोग, दीदी जाएंगी और राधा जाएगी जो मेरी भांजी है, ये बैठी है राधा, वो राधा है और दीदी नहा रही है। तो अभी ये लोग रेडी हो जाएंगे, मैं भी नहाऊंगा फिर जाएंगे मंदिर, यहाँ पे पास में भीड़नाथ मंदिर है जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, और मिलवाता हूँ अपने भांजे सुनील से। ये अंदर बैठा है, सो के नहीं उठ रहा था, बहुत लेट उठा है, मैं भी लेट ही उठाऊ, 8 बजे उठाऊ मैं भी। तो ये देखो सुनील लेटा है यहाँ पे, हेलो, ये अभी तक सो रहा है ये, मैं बड़ा उठा जा जल्दी जल्दी, मैंने मंदिर में मंदिर भीड़नाथ मंदिर पे ड्रॉप करके फिर मैं निकल जाऊंगा दिल्ली, क्योंकि मेरा सारा कुछ मैंने ले लिया है वहां से, छोटी दीदी के घर से और अपने गांव से कुछ ले जाना होता है, राशन वासन, राशन हम लोग यहीं से ले जाते हैं क्योंकि हमारे खेत पेत में होता है ना, तो आटा गेहूं चावल सब यहीं से ले जाता हूं मैं। अब गाड़ी खाली जाएगी दिल्ली तक तो उसमें रख लिया है और यहीं से ले जाएंगे सारा कुछ। सो गाइस अभी नहा भाग के मिलते हैं थोड़ी देर में, मंदिर जाएंगे जब, और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट, गो। सो गाइस अभी 1 घंटे में हम सब लोग नहा के रेडी हो गए, और ये घर में अपने लॉक लगा रही दीदी, और ये राधा भी रेडी, सुनील भी रेडी है, और हम अपनी गाड़ी में ले जाएंगे गमले रख के, ये गमले हैं, गमले दुकान पे जाएंगे, बड़े वाले भाई साहब हैं वहीं पे दुकान पे, उन्होंने वो वहाँ मिठाई की दुकान खोल रही तो ओपनिंग है, तो बोले गाड़ी लेके आओगे तो ये गमले रख लाना, ये गमले वमले रखेंगे कार के अंदर, देखेंगे आएंगे नहीं आएंगे, तो अभी इन्हें ले जाता हूँ गाड़ी में, कोशिश करूंगा रखने की, नहीं रखेंगे छत पे रख लूंगा मैं, है ना। अभी हम घर से निकल गए हैं और हमने देखो गमले गाड़ी के अंदर रखे हैं, वो रख नहीं पा रहे थे तो मैंने झुका के रख दिया, लेकिन मुझे लग रहा है वो खराब ना हो जाए कहीं, और अंदर बहुत इसके पत्ते ना वो झड़के गाड़ी में गिर गए। तो अभी पहुंच रहे हैं मंदिर और मिलते हैं मंदिर की तरफ चल के, और आज का गाड़ी चलाएगा ये बच्चा सुनील, ऊपर ये गाड़ी चलाएगा आज ये, हेलो। तो अभी चलाऊंगी, राधा भी चलाएगी लेकिन टाइम थोड़ा कम है, देखते हैं अगर टाइम रहेगा तो चलाएंगे, वरना फिर निकल जाऊंगा मैंने ड्रॉप करके वहाँ पे पट्टा पट्टा चढ़ा के। तो मिलते हैं अभी मंदिर पे पहुंच गए मैं मंदिर पे, ये भीड़नाथ मंदिर है, मेरे गांव के पास ही पड़ता है, हर मंडे को यहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ाने आते हैं, और ये मिठाई की दुकान खोल रहे हैं बड़े वाले भाई साहब, मिष्ठान भंडार, यहाँ शायद आज ही ओपनिंग है मुझे पता नहीं लगता, माल वाल तो आया नहीं है, काउंटर वाउंटर आ गए हैं, ये सारे काउंटर वाउंटर हैं, अंदर से दिखाता हूँ, ये काउंटर हैं सारे नए नए काउंटर आए, मिठाई विठाई माल वाल नहीं आया कुछ अभी, पता नहीं कब ओपनिंग है। ये मेरे छोटे वाले भाई साहब हैं, हाय, और कब है ओपनिंग, ये बड़े वाले भाई साहब हैं, ओपनिंग कब है आपकी दुकान की, मंडे को। सो गाइस मंडे को, अगले मंडे को, हाँ। अगले मंडे को भीड़नाथ मंदिर के सामने ओपनिंग है, मिठाई खाने जरूर आना, सबको मिठाई मिलेगी, प्रसाद बटेगा, और ये है भांजी, हाय तिरसा, हाय तिरसा, हाय तिरसा, हाय हाय बोलो। सो गाइस अभी मंदिर पे आ गए, मैं प्रसाद वसाद चढ़ा देंगे और फिर मैं यहीं से निकल जाऊंगा, ये शिव मंदिर है, हर मंडे को यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, तो ये प्रसाद चढ़ाते हैं उसके बाद मिलते हैं मंदिर के अंदर, बहुत बड़ा एरिया है मंदिर के अंदर ही, और ये सामने है दीदी मेरी जा रही है प्लेट लेके, सुनील जा नहीं रहा है प्रसाद चढ़ाने को, क्योंकि सुनील नहा के नहीं आया, तो ये प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, हम लोग ही प्रसाद चढ़ाएंगे केवल, है ये मंदिर है बहुत बड़ा है, लोग बहुत मानते हैं, बहुत भीड़ लगती है, अभी तो ये मंडे है जैसे कोई शिवरात्रि टाइप होती थी, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, तो ऐसे ही कुछ मंदिर है, हम लोग अंदर जा रहे हैं, मैं अंदर से वीडियो शूट तो नहीं करूंगा क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो मैं शूट नहीं करता हूँ, हर जगह वायरल होती है, तो इसलिए तो अभी बाहर से बना रहा हूँ, बाकी हो रही है, बाकी यहाँ पे मंदिर ना जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती रहती है वो अपने अपने मंदिर बनवा लेते हैं, अभी वो वाला मंदिर किसी ने बनवा दिया, ये किसी ने बनवा दिया, ये किसी ने बनवा दिया, ऐसे से करके सभी लोग अपने अपनी मन्नत पूरी होती है उसी तरह से बनवाते हैं, जिसका मन होता है वो मंदिर अपने अपना नाम मतलब बनवा के मंदिर जैसा भी उनका बजट होता है वो बनवा देते हैं, और कुछ इस तरह से उसके ऊपर लिखवा देते हैं, जैसे ये कुछ सिविल लाइन्स बरेली के हैं उन्होंने बनवाया है, और इधर 3-4 मंदिर हैं उन्होंने अलग अलग बनवाए हैं,
काफी बड़ा है और इस एरिया का फेमस मंदिर है ये हमारे एरिया में। और ये वीरू भाई, ये हमारे हमारे गांव के भैया ये मिल गए। हमारे गांव वाले बहुत आते हैं, हाय हमारे गांव के यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, तो ऐसे ही सब लोग मिल रहे हैं गांव के। अपने एरिया में तो अपने एरिया के लोग तो मिलेंगे ना। सो गाइस टाइम हो गया 11:20 और मैं बरेली से निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए। तो मैं बरेली एयरपोर्ट के पास से सवारी मैंने बैठा ली है, कुछ मुरादाबाद, कुछ पिलखुआ और कुछ हैं आसपास की है मुरादाबाद के, तकरीबन 3,350 रुपए की टोटल सवारी है। तो अभी बस सीएनजी पंप पे ही रुकूंगा जाके, यहाँ से जाके कहीं नहीं रुकना, पाकवाड़ा सीएनजी पंप पे रुकूंगा। ये वाले भैया पाकवाड़ा उतरेंगे, बाकी कुछ लोग पिलखुआ है, कुछ लोग बीच बीच में उतरेंगे। तो अभी मिलते हैं सीएनजी पंप पे पहुंच के, बोल दो भैया सभी लोग हाय। अभी मिल रहा है सीएनजी पंप पे पहुंच के। सो गाइस अभी पहुंच गया हूं मैं पाकवाड़ा सीएनजी पंप पे। यहाँ टोरंटो वालों का पंप है, बरेली और दिल्ली के बीच में सबसे बड़ा यही पंप है। मुरादाबाद से आगे दिल्ली की तरफ जाएंगे तो पाकवाड़ा जगह पड़ती, वहां पे पड़ता है ये पंप। बहुत मशीनें लगी हुई हैं, बहुत बड़ा पंप है। और ये पंप ऑनलाइन है, काफी जगह पंप लिए लेकिन ये वाला पंप है ऑनलाइन है, बाकी सब ऑफलाइन पंप है। तो अभी गैस पड़वा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो गाइस मैंने चाय ऑर्डर किया और यहाँ पे ना मामा यादव के ढाबे पे सामने देखो बोर्ड लगा है, यहाँ व्रत का खाना भी मिलता है। तो यहाँ पे पकौड़ी है, ये व्रत वाले आटे की पकौड़ी है और चटनी भी भाई है। तो ये यहाँ पे ये फैसिलिटी भी बढ़िया है ड्राइवर के लिए भी, मतलब व्रत वाला खाना ये प्रोवाइड करा रहे हैं। चाय पकौड़ी सारा कुछ मैंने ऑर्डर करा है, यही खाऊंगा और पीऊंगा नहीं, और फिर यहाँ से खाने के बाद निकलूंगा, तब मिलूंगा। ये जो पकौड़ी है ना पनीर इसके अंदर और व्रत वाला आटा बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं सब लोग खा रहे हैं, खा लो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने भी यही खा रहा हूँ। बाकी चाय भी है और है। ये भी पनीर वाली है, सारी पनीर की दिक्कत नहीं है। ये आलू की है, ये भी आलू पनीर और एक और है, सब मिक्स है इसमें। बढ़िया है, व्रत वाला देखो बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पे व्रत वाला खाना मिलता है। मैंने व्रत वाला मिलता है तभी मैंने खाया यहाँ पे, वरना खाता है नहीं। ये बोले खा लो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग खा रहे हैं, बाकी पूरा अंदर भरा हुआ रहता है। आइसक्रीम का सेक्शन है और ये फेटा फेटा और ये भी आइसक्रीम का आउटलेट है, अमूल वालों का है। ये बाथरूम है सर, ये वही टॉपी वाला सेक्शन आ गया पूरा, तरह तरह के टॉपी वॉपी वगैरह। आ जाओ जल्दी आ जाओ, हजारियों तरह का। ये गिफ्ट सेंटर है, हर तरह के गिफ्ट बच्चों के, खिलौने बिलौने, टेडी बियर। ये अपनी किस्मत भी आजमा सकते हो यहाँ पे, गेम लगा हुआ है, गेमर वगैरह पता नहीं क्या लोग अपना गेमिंग भी करते हैं। तो खाना वाना खा लिया मैंने, गाड़ी इधर खड़ी है। अब एक भैया को पिलखुआ उतारना है और दूसरे को गाजियाबाद ओल्ड बस अड्डा, वहाँ उतारूंगा। तो इस तरह का मामा
यादव सिवा ढाबा मिल रहे हैं। अब इन्हें ड्रॉप करके अब घर पे ही पहुंच के मिलूंगा, रास्ते में कहीं रुकूंगा नहीं, इन्हें उतार के तुरंत ही चला जाऊंगा। देखता हूँ घर कितने टाइम पहुंचूंगा, घर पहुंच के फिर खाना वाना खाना, शाम को फिर व्रत खोलूंगा, मिलना है घर पहुंच। सो गाइस 3:35 हो गए, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब आया हूँ अपने घर पे। कितना टाइम लग गया, सुबह चला था, खाना वाना खाया था एक अच्छी गए, तो अभी आया हूँ, देखता हूँ सानिया क्या कर रही है। सो टीवी चल रही है, सानिया ए वो खेल रही है, सानिया बेटा अली ताजा अली खेल रही है अभी, जो बैठी बैठी आजा आजा बेटा आजा, हेलो कर ले, हेलो हेलो सानिया इतना देखो, हेलो करो, हेलो 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 बोल दो। सो गाइस अब आया हूँ घर पे, 3:40 हो गए हैं, तो अभी तो टाइम है व्रत व्रत खोलने में, खाना वाना बन रहा है, भाभी बना रही हैं, मम्मी लली को खिला रही थी, ये खेल रही है, बोल दे हेलो, बोल दे हेलो, बोल हेलो, मेरी तरफ मत देख, हेलो बोल हेलो हेलो। सो गाइस अभी घर पे ही आ गया हूँ, मिलता हूँ कुछ देर के बाद में। सो गाइस टाइम हो गया है 6:25 और खाना बन गया है, घर पे व्रत खोल रहा हूँ अभी, ये सानिया लेटी है और घर पे बनाया सोयाबीन और पराठे, अभी खाना खा ले रहा हूँ और अभी काम करने निकल जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ का काम रहेगा, लोकल रहेगा कहाँ का रहेगा। सो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ काम करने, लोकल करूंगा नाइट में या फिर बाहर जाऊंगा, वो सब बताऊंगा अगले ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, लास्ट में यही कहूंगा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।